क्या क्या यहाँ की हेरिटेज है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे। और अभी हम आपको ये वो भी जगह दिखाएंगे जहाँ से यहाँ का राजा मानसिंह ऊपर चढ़ के सारा कुछ दिखता था, पूरा शहर दिखता था। और अंकल और कुछ बताओ, है? अरे अंकल ये जाने जंतर मंतर, और वहाँ पे हमारे सारा वेट कर रहे हैं। बस पहुँच गए, दो कदम पे है। ये है असली जगह, तो आ गया था पहले भी, तो पहुँच दो गए जंतर मंतर, आ गए बस। चलो अंकल यार, हो गया ठीक है, ठीक है अंकल, ठीक है। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन जंतर मंतर की, इससे हम एल्टीट्यूड वगैरह मेजर करते थे, जो मुझे कविश ने बताया, मतलब मैंने इसकी इतनी नॉलेज नहीं ले रखी थी, कविश ने बताया इसके बारे में। ये है हमारा बेसिक एरिया जैसे जंतर मंतर में, और डिफरेंट ऐसे आर्किटेक्चर्स के ने, मतलब जो पुरंडन के आर्किटेक्चर्स थे उनकी क्या खतरनाक जो उनके प्लान्स थे उस टाइम, मतलब जो चीज़ें हम अब बना रहे हैं उनकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि वो पहले ही सब कुछ बना चुके हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग चीज़ है। आप ये देख सकते हैं क्या कुछ है जयपुर के जंतर मंतर में। यहाँ की टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन और 20 रुपीज़ फॉर स्टूडेंट। आपको आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। ये हमारा सारा क्रू, वी आर ऑल रेडी। यहाँ पे आपको अंदर एसी के अंदर पिक्चर भी दिखाएंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन। इस चीज का ध्यान जरूर रखें, ये क्लॉक है लग गया अपनी गेम खेलने, वीडियो देखने यूट्यूब पे, क्या कह सकते हैं। सब यहाँ मूवी देखने का वेट कर रहे हैं, एक बार 20 पीपल लाउड है, एक बार इंटरनल अंदर जाके तो शायद मूवी देख सके। ये अंदर रूम है जहाँ पे आपको छोटे मॉडल मिलेंगे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के, जंतर मंत्र के अंदर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है यार ये सब, मतलब देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स निकाल दिए थे, बना दिए थे। इट्स सुपर, दिस इज लिटरली आई एम वेरी मच यू नो इम्प्रेस्ड।
इससे हम टाइम का पता लगा सकते हैं। ये पुरानी प्राचीन फिजिक्स है, जो चीज़ें हमने अब निकाली हैं वो ये पहले निकाल चुके थे। हमने वहाँ देखा कि कैसे जो राजा जय सिंह जी था, राजा का नाम क्या था, जो राजा जय सिंह था, उसने कैसे यूरोप से लोगों को बुला के स्पेशली डेडिकेटेडली काम किया, डेडिकेटेडली ये बनवाए। और पहले दिल्ली में बना, सबसे पहले दिल्ली में बना था, फिर विद टाइम ये बढ़ते 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 ये जयपुर में। तीन जगह 60 रुपए हो गए। अब हम जा रहे हैं ऊपर इस्तरलट, यहाँ पे राजा जो था यहाँ से पूरा जयपुर देखता था। ज़्यादा मज़ेदार है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आना। पर बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना है, बस यहाँ पे एक ये है, ओह माय गॉड, दिस इज़ सुपर डुपर ग्रेट। हम ये सारे इस्तरलट वगैरह सब घूम के वापस अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट, और आमेर फोर्ट जाएंगे और एंजॉय करेंगे। लेट्स सी आमेर फोर्ट में क्या होता है, मम पापा की होगी लड़ाई। चलो हम देर के मिलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, ओके बाय बाय गाइस। आमेर फोर्ट में मिलते हैं, रास्ता दिखाएंगे आपको थोड़ा बहुत अगर अच्छा हुआ तो। आमेर पैलेस पहुंच चुके हैं अब हम लोग। बाय गॉड, जो यहाँ का व्यू है और जो ये पैलेस है यहाँ से जो दिख रहा है, मतलब ठीक है कैमरा में इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा बट अल्टीमेट है, आई लव इट। ये तो ऊपर से लोग ऐसे हाथ मारते हैं, गाड़ी के आगे आ जाते हैं भाई। सुपर कूल भाई, सुपर कूल भाई, गॉड द गार्डन इज एपिक। यहाँ से गार्डन भी दिख रहा है, मतलब उस टाइम की विरासत ही दीदी इतनी अल्टीमेट थी। वो देखो, वो टॉप देखो, हिल का टॉप देखो, बाय गॉड इट्स अल्टीमेट। करके पूछो ये कितने तो पानी हो करनी है अंदर का डिजाइन। इसका जो रास्ता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप खुद देख सकते हो। हैवी ड्राइवर है भाई साहब यहाँ पे हमारे, तो हैवी ड्राइवर को हम पार करते हुए पहुंच गए हम। वो ऊपर हवा में इधर सीधे लेके जाऊं, सीधे लेके जाएंगे भाई साहब आप, या इधर से बाहर से है पूछना पड़ा है किससे, इधर से कह रहा है इधर से। अब ये तो गाड़ी साथ ही लग गए, तो हमारे ये साथ कैसे लगते हैं, साथ ही लग जाने यार ये। और भाई पूछ लो किसी से, वो आ रहे ना पीछे, ये गाड़ी आ जीप किधर को गई पीछे, तो इनके पूछो सामने नहीं आ रहे, इनसे पूछो, ये परेशान है नशे नुशे करके, कुछ तंग किया हो इस लग रहा है। ये ऐसे रास्ता ठीक है, ठीक है सही जा रहे हैं, हम जा रहे हैं और बीच में बच जाए। देव जी देव जी अरे भाई गाइडों ने हाथ नहीं, गाड़ी में ही घुस गए थे, शीशा खोल के अंदर घुस गए, कहते हम तो अंदर ही जाएंगे साथ ही जाएंगे। हम डर गए, हमने कहा तू नीचे ना आ जाए। ऐसी जगह मतलब इट्स वर्थ गाइस, इट्स वर्थ, इट्स कम्प्लीटली वर्थ टू विजिट जयपुर। गर्मी
यहाँ पे ये उनका पॉटी हाउस, उन लोगों का पॉटी हाउस होता है अमेरगढ़ के किड़े के अंदर। स्टार्टिंग में इसको टर्किश बाथ के नाम से बताया गया। यहाँ पे एक अजीब सी टनल है, टनल में हम चलते हुए हाइट थोड़ी नीचे करते हुए, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, सुपर अंधेरा। यह बॉटम इसके अंदर नहीं जाना भाई, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर फिर एक टनल और यहीं पे जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका है। ताला यहाँ ऊपर जाते हुए, ऊपर मुझे लगता है ये नहाते हुए सब करते हुए बाल बुल सुखाने। ओ यार ऊपर तो बड़ा मस्त है, वाह भाई वाह। ये हम कहाँ गए, ये कहाँ है भाई, तो बिल्कुल ओम्फस मान है जगह है। क्या नकाशी, क्या कढ़ाई करी हुई है यहाँ पर, इसको देखकर दिल खुश हो गया। ये कविश हमारा, हमें जाना है वहां गार्डन देखते हैं। अब कमाल का गार्डन है, हाँ फोटो में खींचेंगे, वीडियो बनाओगे, व्लॉग बन रहे हैं। माय गॉड सुपर गार्डन, वाओ। दोस्तों यहाँ की एक बहुत बड़ी, अब कह सकते हैं मिथ भी कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, रियलिटी भी हो सकती है, कोई शक नहीं है। ये हमारे साथ है हमारा बंदा, तो यहाँ पर खजाना छुपा हुआ है, तो क्या पता हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। काफ़ी बड़ा किला है, काफ़ी कुछ है यहाँ देखने को, घूम फिर के हम फिर वहीं आ गए। चलो आ जाओ, आ जाओ ऊपर चलते हैं। ये कुछ सीढ़ियाँ थी यहाँ पे, हम उसको चढ़ के ऊपर आ चुके छत पे। बहुत शांति है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही। वो रहा हमारा फोर्ट, वहाँ पे हमारा फोर्ट, वो वाला फोर्ट है हमारा जहाँ हमें चल के जाना है। यहाँ पर, यहाँ का एक रहस्य है कि यहाँ पर एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं जो आज तक को ढूंढ नहीं पाया। वो हम दूसरी पोर्ट से नीचे जा रहे हैं, पोर्ट तो ऊपर आई थी, जा गई और से नीचे रहे हैं, तो हम वहाँ से नीचे जाएंगे दोबारा जहाँ से हम आए थे, ताकि हम गुम ना हो जाए सबके साथ। भाई साहब मज़ा तो बहुत आ रहा है, कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। इसका नाम भी भौमिक है। राम राम से नीचे जाते हुए, लोगों ने 5 फुट के प्रॉपर्टी बहुत खराब कर रखी है, हमारी हेरिटेज का सबसे बड़ा नुकसान यही है। ये खाने जा कितने रहे, यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जो मुझे समझ नहीं आ रही। ये आगे जाके इधर को मुड़ रही है, वहां पर पता नहीं कुछ पड़ा भी है, कोई पोटली वगैरह, पता नहीं किस चीज की पोटली है। हम तो आराम से निकले धीरे धीरे, क्योंकि जो भी है कुछ भी ऐसा है यहाँ पे, टोने टोटके भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं, कोई वीरान जगहों पे लोग टोने टोटके भी करते रहते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दें यहाँ का। हम ध्यान से नीचे जाते हुए, वो इधर भी है कुछ, इधर भी आ जा, इधर आ जा, इधर इधर इधर, बेसिकली आज आज इधर भी बहुत कुछ है। ये देखिए ये गैलरीज हैं, मतलब पहले जो बने किले होते थे वो बिल्कुल भूल भुलैया जैसे हैं, मतलब अगर कोई इंसान या रात को घूम जाए फिर तो मुश्किल लगता है मुझे। और सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा स्टीप है कि हमारे को उतरना मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे पैर टिका टिका के उतर रहे हैं,
क्योंकि जो पत्थर है वो भी घिस चुके हैं लोगों के कारण। लोगों के कारण क्या, इतना पुरानी जगह है, पत्थर भी घिस चुके हैं। स्लो स्लो चलते हुए, वो लोग हैं कहाँ भाई, अपने पार्टनर्स का बंदे कहाँ, अपने सारे वहाँ से उतरे, वहाँ से चढ़े थे ना, वहाँ से चढ़े थे हम, वहाँ से चढ़े थे उस वाली सीढ़ी से और यहाँ पे उतरे हैं, यहाँ से उतरे हैं ना। वो लोग हैं कहाँ, विष्णु फोन करना पड़ेगा, कब विष्णु फोन कर, मेरा फर्स्ट व्लॉग है बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। हेलो एवरीबॉडी, वी आर एट, आप सब देख सकते हैं जल महल। अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम, मेरे दूसरे आइसक्रीम है, वैसे मैं खा चुका हूँ चॉकलेट वाली, और ये हॉनिस खा रहा है आइसक्रीम। बर्फ वाली आइसक्रीम का मजे कुछ और है। चाची ने बनाया था खाना, खाने में था कोफ्ते, कोफ्ते थे, मिर्ची की टपोरी, मिर्ची की टपोरी थी, ऑनियन हम खा गए, चावल, और हाँ वो भी था, शिमला मिर्च आलू भी थी, चावल है भाई, मजा आ गया। मम्मी को चले रखियो, रख क्या रहा ब्लॉग का पार्ट है, अरे नहीं 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 ले ऐसे कैसे दादी, ब्लॉग का पार्ट है, देखो भाई व्लॉग का पार्ट है बोल के आपने व्लॉग खराब कर दिया मेरा, मेरी थी फर्स्ट व्लॉग है ना, घर वाले भी ज़्यादा एक्साइटेड है, व्लॉग का पार्ट दे रहे हैं मुझे, कंटेंट दे रहे हैं। मूवी आ रही है सुल्तान, हमारे सेठ जी बैठे हैं पूरे पोज में, चिल लाइफ।